भारत में हारने वाला सिकंदर पराजित सिकंदर का उल्लेख होना चाहिए तो कांग्रेस को तकलीफ होगी। हम जब कहेंगे कि अकबर नहीं महाराणा प्रताप महान है तब तकलीफ होगी। जब हम कहेंगे कि गुरु पुत्रों का बलिदान स्मरण करो, जब औरंगजेब ने अत्याचार किया था कश्मीर में और गुरु गोविंद सिंह का बलिदान हुआ था शीश गंज गुरुद्वारा बनाया दिल्ली में, जब उनके बलिदान की हम चर्चा करेंगे, जब हम वीर हकीकत के बलिदान की चर्चा करेंगे, जब बंदा बैरागी के बलिदान की चर्चा करेंगे, जब छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य की चर्चा करेंगे, कांग्रेस को तकलीफ। जब हम महावीर स्वामी के संदेशों की चर्चा करेंगे, जब गौतम बुद्ध के आदर्शों की चर्चा करेंगे, तब कांग्रेस को तकलीफ होगी। क्योंकि कांग्रेस तो भारत के मूल्यों से कट चुकने वाला दल है, उसका यहाँ की मान्यताओं में कोई विश्वास नहीं है, वो तो केवल विदेशी ताकतों विदेशी विचारों के दल पर बल पर इस देश में यहाँ के समाज को तोड़ते हुए, यानी यहाँ के समाज को एससी अलग एसटी अलग ट्राइबल अलग हिंदू अलग मुसलमान अलग जैन अलग बौद्ध अलग सिख अलग इस प्रकार का विभाजनकारी भावना रखते हुए जनता पार्टी अपना स्थापना दिवस मना रही है। किस तरह का भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के आधारित दल है और आज देश में ही नहीं तो दुनिया में सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। देश के अधिकांश राज्यों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से जिस प्रकार की समाज की अपेक्षाएं हैं, उन सब अपेक्षाओं को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से लेकर आज तक उसके पहले की यात्रा जनसंघ की परिश्रम कठोर परिश्रम बलिदान से जुड़ी हुई है और भारतीय जनता पार्टी अपने स्थापना दिवस पर गर्व के साथ में इस काम को और निरंतर आगे बढ़ाना, क्योंकि देश के लोगों की इच्छा को अनुरूप कार्य करना ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं यात्रा और सफल हो आगे बढ़े और हम भारत के प्रत्येक नागरिक के जीवन में बदलाव लाने का हमारा जो संकल्प है उस संकल्प को पूरा कर सकें और उसी के लिए आज का दिन भी हमारे उस संकल्प को पूरा करने के लिए सब कार्यकर्ता एकत्रित होकर के हमारे ऐतिहासिक सारा यात्रा है उसका स्मरण करते हुए आगे बढ़ने का संकल्प लें। निश्चित आज स्थापना दिवस है उस पर एक बात करना भी जरूरी, पूर्व की सरकारों ने इतिहास को गलत पढ़ा है, भारतीय जनता पार्टी का दायित्व है कि वो इतिहास को कैसे ठीक करे। हम जानते हैं कि भारत के इतिहास को आज़ादी के बाद से अपेक्षा थी देश के लोगों को, अंग्रेजों ने तो इतिहास गलत पढ़ाना ही था क्योंकि उनको इस देश पे लंबे समय तक राज्य करना था, इसलिए देश के स्वत्व के भाव को समाप्त करने वाला इतिहास अंग्रेजों के चाटुकार इतिहासकारों ने लिखा, कम्युनिस्ट इतिहासकारों ने लिखा। आज़ादी के बाद में सबको अपेक्षा थी कि कांग्रेस राष्ट्र की भावनाओं के अनुरूप सही इतिहास पढ़ाने का काम करेगी। दुर्भाग्य से कांग्रेस की उस समय की सरकार, चाहे नेहरू जी की सरकार हो, चाहे इंदिरा गांधी की सरकार हो, चाहे वीपी सिंह की सरकार हो, चाहे मनमोहन सिंह की सरकार हो, सबने भारत के सही इतिहास को सही परिप्रेक्ष्य में रखने की कोशिश नहीं की गई। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से स्कूलों में भी हम आमूलचूल परिवर्तन करने जा रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में और भारत के इतिहास को, यानी उस गौरवशाली इतिहास को, उन गौरवशाली परंपराओं को और जो परंपरागत रूप से भारत में ज्ञान विद्यमान है फिर से उसके ऊपर अध्ययन करके रिसर्च करके और